गया वे ते किसे नूं कोई चंगा जो दी धी सी ते कोई चंगा वर मिल गया ते साडे घर वी धी होवे ते साडे मन च आउंदा वी किते साडी बच्ची वास्ते वी मालक किरपा करे कोई चंगा बच्चा लभ जाए। जे किसे पुत दा विआह है ते आपां वेखदे आं सब परिवार मिलिआ है उत्थे भी बंदे दे अंदर एक संकल्प आउंदा वी कल चलो पुत साडा वी विआहण वाला महाराज किरपा करे कोई चंगा सानू वी जिहड़ा घर ती जिहड़ी उह मिलदा। इस तरह जदों बीबी खेम कोयल दे आनंद कारज ते माता बिशन कोयल आए ने भाई लाल चंद जी उहनां दे घरों उहनां नूं बड़ी प्रसन्नता हुई वी इह भाई प्रेम चंद दी जिहड़ी धी है एक बड़े अच्छे परिवार के विच इहदी शादी होई। उन्हां दे मन विच भी ख्याल आया भी धी तां उन्हां दी भी भाई विआहण दे नेड़े है ते किते सानू भी इस तरह का कोई रिश्ता लभ जाए। उन्हां ने पता कराया भी गुरु साहिब जी दे किन्ने सपुत्र है। जदों पता कराया ते दस्या गया भी बेटे तां पंज सन एक जड़े ने वह नौ साल की उम्र अकाल चलाना कर गए वे जड़े ने पहले ही ब्याह हुए हैं यह हम दूसरे पुत्र की उन्हें शादी की है इन्हों तो बाद इन्होंने दो पुत्र होर ने जेडे ब्याह वाले वह ने बाबा कणी राय जी ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। हूँ जदों पता किया तो उन्होंने अपने घर वाले भाई लाल चंद ने आख्या भी तुसी गल करो अपनी धी वास्ते रिश्ता। उन्हें आख्या भी तू कमली है वो किथे आपां किथे साडा कोई मेल जोल नहीं है। उन्हें दुनियावी तरीके तो साबकता ला के माता बिशन कौर के पति ने कह दिता भी अपना तो उन्होंने कोई मेल जोल नहीं है। वो कहती जी मैं सुनया भी गुरु पातशाह महाराज बड़े दयालु ने बड़े कृपालू ने वो इन्हां चीज़ां वाल संसारी नज़र वाला पासा जिहड़ा इस तरह नहीं है। उन्हें जदों वार वार आखिया तो जाके पूछया गया भी इस तरह गुरसिखां राहीं महाराज अपने साहबजादे भी एक रिश्ता आया तो महाराज कहिंदे भी जिहड़ा तरीका बनता है बड़ा अणी राय है इस करके उन्होंने पूछा जाए। बाबा अणी राय वड्डे ने गुरु तेग बहादुर साहब सब तो छोटे है ये प्रथम उन्होंने पूछा जाए उन्होंने पूछो जो उनका जप उधर कर लेंगे। लेकिन बाबा अणी राय जी उन्होंने गृहस्थ धारण तो मना कर दिता। फिर यह नाता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नाल होया। जदों ये रिश्ता होया उहदे तों बाद आनंद कारज होया ते आनंद कारज जिहड़ा होया उह सानूं जदों डेट मिलदी है 1632 ते 33 दा विचालड़ा समां जदों माता गुजरी थी ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा इस अपने दुआबे की धरती ते करतारपुर साहिब विखे आनंद कारज होया। हुण 32-33 दे विच आनंद कारज हो जांदा लास्ट जिहड़ा युद्ध है इत्थे लड़िया जांदा करतारपुर साहिब की धरती ते उहदे तों बाद महाराज कीरतपुर साहिब जांदे परिवार समेत। कीरतपुर साहिब 1624 तों लै के 26 दे विचाले वस चुका है 24 विच मोड़ी कड्डी है 26 तक कीरतपुर साहिब वस गया। महाराज परिवार समेत उत्थे जांदे जाके हौली हौली संगत विच एक गल स्पष्ट हो जाती है वे जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरतागद्दी का फैसला है ना वो अपने पोतरे नूं देण दा कीता बाबा गुरदत्ता जी उन्हां दे सपुत्र धन गुरु हर राय साहिब। माता नानकी जी अज प्रशादा छका रहे सन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी सतगुरु पलंगे ते बैठे माता नानकी जी सामने बैठे बड़े प्रेम भाव नाल प्रशादा छकाउंदे। अज गुरु हरगोबिंद साहिब प्रशादा छकदे आ उन्हां वल वेख के कहिंदे नानकी जी इंज लगदा
ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਜੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਜੂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਸੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਪਕੜਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।